जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी नोट्स क्लिक पर। चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2022-23 के। तो देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है उन कैंडिडेट्स के लिए दोस्तों, जो कैंडिडेट इंडियन रेलवे में दोस्तों अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, इंडियन रेलवे में जॉब करना चाहते हैं। तो फाइनल देखिए दोस्तों, साउथ सेंट्रल रेलवे जो कि दोस्तों आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद का तरफ से, देखिए दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने मेंशन कर ही रखा है, 4103 पदों के लिए जो है दोस्तों नोटिफिकेशन जो है जारी किए गए हैं। तो दोस्तों बने रहेंगे हमारे साथ, चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक पर दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपका, आपसे कब तक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, लास्ट डेट जो है दोस्तों कब रखा गया है, एज क्राइटेरिया दोस्तों क्या रखा है, चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक पर। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को भी दबा दीजिएगा दोस्तों पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो आपका साउथ सेंट्रल रेलवे जो कि दोस्तों सिकंदराबाद की तरफ से रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के लिए देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन जो जारी कर दिया है। पब्लिश डेट की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए आपका 30 दिसंबर 2022 की डेट में नोटिफिकेशन जो है पब्लिश किया गया है। नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस 2022-23 अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। इस तरह देखें दोस्तों, आपका ओपनिंग डेट की बात करेंगे तो 30 दिसंबर 2022 दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसके लिए स्टार्ट हो चुकी है। फिर देखें दोस्तों, क्लोजिंग डेट की बात करेंगे तो 29 जनवरी 2023 तक दोस्तों रात के दोस्तों 12 बजे से पहले जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर देखिए 4103 पदों के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात बता देता हूँ कि इसके लिए जो कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखिए दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए आपका दोस्तों, यदि आप 10वीं पास है दोस्तों 50% अंकों के साथ, और साथ में देखिए दोस्तों आप ITI किए हैं NCVT या फिर SCVT से, तो आप जो है दोस्तों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ITI में देखें दोस्तों, संबंधित ट्रेड की बात करें दोस्तों, तो आपका ट्रेड देखें दोस्तों आपका है AC मैकेनिक के लिए, फिर कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, फिर इलेक्ट्रीशियन, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिर दोस्तों फीटर मशीनिस्ट, फिर MMTM, फिर दोस्तों MMW, फिर आपका दोस्तों पेंटर, फिर दोस्तों आपका वेल्डर। तो संबंधित ट्रेड से दोस्तों, यदि आप ITI पास है NCVT या फिर SCVT से, तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर ट्रेड वाइज दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, आपका फर्स्ट बता दूं, AC मैकेनिक के लिए देखिए दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर 250 पोस्ट रखे गए हैं। फिर देखिए दोस्तों, कारपेंटर के लिए 18 पोस्ट रखे गए हैं। फिर देखिए दोस्तों, डीजल मैकेनिक के लिए देखिए 531 पोस्ट रखा गया है। फिर दोस्तों आपका इलेक्ट्रीशियन के लिए देखिए यहाँ पर 1019 पोस्ट जो है यहाँ पर रखा गया है। फिर देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें दोस्तों तो 92 यहाँ पर पोस्ट रखा गया है। फिर देखिए दोस्तों, फिटर ट्रेड की बात करेंगे तो 1460 पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। फिर देखिए दोस्तों, मशीनिस्ट की बात करें दोस्तों तो 71 पोस्ट। फिर दोस्तों आपका मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस MMTM की बात करें दोस्तों तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 रखे गए हैं। फिर देखिए दोस्तों, आपका मिल राइट मेंटेनेंस MMW के लिए देखिए दोस्तों बात करें तो आपका 24 पोस्ट। इस तरह से देखिए दोस्तों, पेंटर की बात करें तो 80 पोस्ट। इस तरह से वेल्डर की बात करें दोस्तों तो 553 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। फिर इस तरह से देखिए दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो 4103 जो है पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, कैटेगरी वाइज जो है आप अपना कैटेगरी वाइज दोस्तों और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके एक एक बताऊंगा दोस्तों, तो काफ़ी वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से देखें दोस्तों, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिस टॉपिक को आपको बताना चाहिए वही टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन का। तो देखिए दोस्तों, एज क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों तो आपका 15 साल आपका एज होनी चाहिए। 15 साल से देखिए दोस्तों 24 साल आपकी एज जो है होनी चाहिए। तो दोस्तों 15 से 24 साल किस डेट में होनी चाहिए, तो देखिए दोस्तों डेट की बात करें तो 30 दिसंबर 2022 के डेट में आपकी एज जो है 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, जो कैंडिडेट SC ST OBC से बिलोंग करेंगे दोस्तों, उनके लिए देखिए यहाँ पर जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए देखिए यहाँ पर दोस्तों 5 साल का छूट दिया गया है। जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करेंगे दोस्तों, उनके लिए देखिए यहाँ पर 3 साल का छूट जो है दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखें दोस्तों, जो कैंडिडेट बेंचमार्कर डिसेबिलिटी आते हैं दोस्तों PWBD, उनके लिए देखिए यहाँ पर 10 साल का छूट जो है दोस्तों दिया गया है। इस तरह से देखें दोस्तों, जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है दोस्तों, उनके लिए भी देखिए यहाँ पर 10 साल का छूट जो है दिया गया है। फिर देखें दोस्तों, इनके द्वारा RRC सिकंदराबाद के द्वारा देखिए कैटेगरी वाइज दोस्तों यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है दिया गया है। जो जनरल कैंडिडेट है दोस्तों UR और EWS वाले, उनके लिए डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे तो देखिए
30 दिसंबर 1998 से दोस्तों 30 दिसंबर 2007 तक होनी चाहिए। जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर 30 दिसंबर 1993 से दोस्तों 30 दिसंबर 2007 के बीच होनी चाहिए। फिर दोस्तों ओबीसी जो कैंडिडेट के लिए देखिए 30 दिसंबर 1995 से दोस्तों 30 दिसंबर 2007 के बीच होनी चाहिए। फिर जो पीडब्ल्यूबीडी यूआर वाले हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर 30 दिसंबर 1988 से दोस्तों 30 दिसंबर 2007 के बीच होनी चाहिए। फिर पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट वालों के लिए देखिए यहाँ पर 30 दिसंबर 1983 से दोस्तों 30 दिसंबर 2007 के बीच होनी चाहिए। फिर देखिए दोस्तों पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 30 दिसंबर 1985 से दोस्तों 30 दिसंबर 2007 के बीच होनी चाहिए। और जो एक्स सर्विसमैन है दोस्तों उनके लिए देखिए यहाँ पर एज क्राइटेरिया जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों वो देखिए 30 दिसंबर 1988 से दोस्तों 30 दिसंबर 2007 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ जो है होना चाहिए। फिर चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें आपका पेमेंट ऑफ फीस की, एप्लीकेशन फीस की। तो देखिए दोस्तों आप इसके लिए जो है 100 रुपये जो है दोस्तों 100 रुपये आपको इसके लिए फीस देना होगा। फिर देखिए दोस्तों जो कैंडिडेट एससी एसटी से बिलोंग करेंगे दोस्तों, जो कैंडिडेट एससी एसटी यहाँ पर देखिए दोस्तों नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय एससी एसटी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है दोस्तों और जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर किसी भी तरह का शुल्क जो है नहीं रखा गया है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस का। तो देखिए दोस्तों आप जो है इसके लिए ऑनलाइन जो है दोस्तों अप्लाई कर पाएंगे साइट की। देखिए दोस्तों जैसे कि इसमें कहा गया है कि विजिट द वेबसाइट ऑफ RRC SCR। इसमें देखिए दोस्तों जो वेबसाइट दिए गए हैं scr.indianrailways.government.in इस साइट से दोस्तों आपको इसके लिए ऑनलाइन जो है अप्लाई करना पड़ेगा। फिर चले दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में और बता दूं। तो देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, तो आप जब इसके लिए दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो देखिए आपको कौन से सर्टिफिकेट जो है रेडी रखना पड़ेगा दोस्तों। वो देखिए आपका 10वीं का अनुसूची दोस्तों, फिर डेट ऑफ बर्थ जो प्रूफ के लिए तो 10वीं का ही अनुसूची आपका चल जाएगा। फिर देखिए IT सर्टिफिकेट दोस्तों आपका IT। फिर देखिए दोस्तों जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट दोस्तों NCVT या फिर SCVT वाला वो सर्टिफिकेट। फिर देखिए दोस्तों जो कैटेगरी वाले हैं SC ST OBC उनको देखिए दोस्तों, और फिर उसका जो है सर्टिफिकेट, और फिर जो कैंडिडेट PWBD कैंडिडेट दोस्तों उनका सर्टिफिकेट। फिर इस तरह से दोस्तों EWS सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट एलिजिबल है उनके लिए। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनका जो है दोस्तों सर्टिफिकेट चाहिए। तो इतना जितने डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताया गया है दोस्तों वो सबको आपको रेडी रखना है, क्योंकि आपको इसको स्कैन करके दोस्तों अपलोड करना पड़ेगा। तो इस तरह से चले दोस्तों आपको यही अपडेट जो है देनी थी दोस्तों। आशा करता हूँ पूरा प्रोसेस जो है आप समझ गए होंगे दोस्तों। फिर भी यदि आपके मन में किसी भी तरह का सवाल आता है तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह से चले दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। तो चले दोस्तों अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्तों आप इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।